अरे भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ किया है क्या? असल में मैं गर्मी में हवा खाने के लिए गया था और हवा खाते खाते दिमाग का बत्ती जल गया और मैंने सीढ़ी बना डाला। वैसे सीढ़ी बहुत बड़ा बन चुका है क्योंकि यहाँ पे मेरा अंडरग्राउंड बेस है और मैं यहीं पे आने के लिए से बनाया है, क्योंकि यार ये जो अंडरग्राउंड बेस है आप इसे मेरा टेम्पोररी घर भी कह सकते हो। अच्छा, तो वहाँ तक जाना जरूरी है, बाद में ऊपर मैं कोई घर बनाऊंगा। वैसे ये चीज बहुत ही कमाल की लग रहा है यार, ब्लैक और ग्रे का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है भाई भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। वैसे आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। नहीं अच्छा कमेंट नहीं करना तो लाइक ही ठोक दो एक। खैर मजाक को साइड कट के अभी आप जो सामने देख पा रहे हो वो मेरा विलेजर ब्रीडर है जिसको मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। वैसे इसका बजट थोड़ा सा कम है इसीलिए पूरा कम्प्लीट नहीं हो पाया, पर इसको हम किसी और वीडियो में कम्प्लीट करेंगे क्योंकि आज हम इसकी मदद से बनाएंगे माइनिंग करेंगे डायमंड्स, और इसकी मदद से भाई हमें भर भर के डायमंड मिलने वाला है। अब वो कैसे उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत शुगर केन लगाया है ताकि शुगर केन से हमें पेपर्स मिले और पेपर्स हम ट्रेड करेंगे विलेजर्स के साथ ताकि वो हमें फॉर्चून 3 का एंचेंटेड बुक दे, यानी जादुई किताब। और फॉर्चून को हम हिंदी में कह सकते हैं सौभाग्य, और सौभाग्य को हम इंग्लिश में कहते हैं लक, यानी हम फॉर्चून को लक कह सकते हैं। और लक जब अपने साथ हो तो डायमंड्स मिलना तो पक्के है भाई। अभी सबसे पहले थोड़ा बहुत शुगर किन इकट्ठा करके पेपर बनाते हैं और उससे हम लैक्टन बनाएंगे। अब लैक्टन जो है वो एक तरीके का जॉब ब्लॉक होता है जिससे कि विलेजर हमारे साथ जादू की तरफ ट्रेड करता है। तो सबसे पहले लैक्टन बनाने का रेसिपी देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो एक बुक शेल्फ और 3 स्लैब चाहिए होगा। एक साथ 3-4 लैक्टन बनाऊंगा तो थोड़ा और शुगर किन तोड़ना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो बुक सेल्फ के लिए जो वुड चाहिए होगा, मेरे पास वुड भी नहीं है और बुक के लिए मेरे पास लेदर भी नहीं है। फिलहाल सामने वाली चेस्ट में पड़ा हुआ है, जाके ले आता हूँ। तो सबसे पहले वुड ले लेता हूँ मैं, और अब लेते हैं लेदर। भैया जरा दिखाओ तो पेपर कैसे बनता है। तो सबसे पहले शुगर केन से हम पेपर बना लेते हैं। पेपर और लेदर से बनता है बुक, तो बुक और वुड से बनता है बुक सेल्फ, और बुक सेल्फ और स्लैब से बनता है लैक्टन। फिलहाल एक ही लैक्टन बना है, थोड़ा सा वुड लाके और बना लेते हैं। एक काम करते हैं सारे वुड ले लेते हैं। वैसे बनाना मुझे 4 ही बुकसेल बनाना है बस, तो मैंने यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन बनाए। एक बुकसेल मैंने रख दिया है, बाद में जरूरत पड़ेगा तो मैं बना लूंगा, अभी फिलहाल विलेजर के पास चलते हैं जल्दी से। तो जिनको नहीं पता भाई उनके लिए सामने ये जो गड्ढा है ये कोई चूहा का गड्ढा नहीं है, मेरा विलेजर ब्रीडर के एंट्रेंस है। फिलहाल इस ट्रैप डोर को बंद कर देते पहले। बंद हो जा भाई, चलो बिल्ली अंदर आ रहा था। फिलहाल ये देखो यहाँ पे आते हैं सारे विलेजर्स। ये एक तरीके से विलेजर्स का कलेक्टिंग रूम है जहाँ पे विलेजर्स फार्म के जो विलेजर्स प्रोड्यूस होते हैं वो यहीं पे आके कलेक्ट होते हैं। और यहाँ पे इतने विलेजर्स कैसे आ गए भाई, मुझे तो लग रहा था कि 3-4 विलेजर ही था। खैर छोड़ो, वैसे इसका बजट कम था मैंने पहले ही कहा है, तो इसीलिए फार्म ठीक से काम नहीं करता, तो विलेजर्स का नंबर बढ़ नहीं रहा, तो बाद में इसे हम अपग्रेड करेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेडिंग हॉल बनाते हैं, वरना जो विलेजर्स है ठीक से ट्रेड नहीं करेंगे और एक दूसरे के काम में टांग अड़ाएंगे। तो जल्दी से यहाँ पे मैं पिकेक्स, कहाँ भाई पिकेक्स निकालो, और जल्दी से यहाँ पे मैं छोटा सा रूम बनाता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मेरा टेम्पोररी ट्रेडिंग हॉल तैयार हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, जहाँ पे मैंने दीवार पे 2 ब्लॉक का डीप क्या कहते हैं इसे, एक तरीके से मैंने एरिया बनाया है 2 ब्लॉक डीप करके, जहाँ पे मैंने विलेजर्स को डाल के बाहर एक ट्रैप डोर लगा दिया है, एक ब्लॉक अंदर ट्रैप डोर लगा दिया है ताकि ये लोग बाहर ना पाए। खराब नहीं लग रहा यार, ठीक ठाक ही लग रहा है ये चीज़। फिलहाल अभी इनको जॉब देना बाकी है। वैसे ये लोग जॉब एक्सेप्ट नहीं करते आसानी से, ये देखो इसको मैंने जॉब दी इसने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी और ने एक्सेप्ट किया। किसने एक्सेप्ट किया भाई? अच्छा इसने एक्सेप्ट किया है, तो इसको मुझे ये जो लैक्टन है इसे तोड़ के मुझे उस विलेजर को देना होगा जिसने जॉब एक्सेप्ट किया था। ये पॉकेट एडिशन के ही चोजले है भाई, जिनको जॉब दो वो लेते नहीं और जो लोगों को नहीं देते वो ले लेता है। फिलहाल इसे भी किसी और ने ले लिया है। एक मिनट रुको, मैं एक काम करता हूँ, सबको मैं जॉब दे देता हूँ, उसके बाद मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगा। चलो ये लास्ट इसे लगाता है और शायद से एक्सेप्ट करेगा ही। हाँ इसी ने एक्सेप्ट किया, अभी देखते हैं कि ये देता क्या है। अच्छा मल्टी शॉट दे रहा है जो कि क्रॉसबो में लगता है, मेरे पास फिलहाल क्रॉसबो नहीं है, इसे तोड़ के दोबारा लगाता है। असल में जितना बार इसे तोड़ के लगाऊंगा उतना ही नया नया चीज़ें देगा। अब क्या दे रहा है देखते हैं। अरे भाई बुक सेल्फ दे रहा है, बुक सेल्फ लेके मैं क्या करूँगा, वो तो मैं खुद ही बना लूँगा। नहीं चलो अभी इसे दोबारा तोड़ के लगाता है। इस बार भाई कुछ अच्छा खासा दे दियो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फॉर्चून थ्री इन्फिनिटी 1, जो कि हम वो तीर में लगा सकते हैं, धनुष में लगा सकते हैं जिसे बो कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या दे रहा है? पायरसिंग 3। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ इन्फिनिट 1 को रहने देता हूँ और इनको ही तोड़ के दोबारा लगाता हूँ। मुझे ऐसे ही इनको बार बार तोड़ के लगाना होगा जब तक नए लोग फॉर्चून 3 दे। स्मिट फोर से क्या होता है, खैर जाने दो। मैं ना अभी इसे बार बार तोड़ के लगाऊंगा जब तक ना मुझे फॉर्चून 3 मिल जाए, और जो दूसरे विलेजर से उनको भी थोड़ा ट्राई करूंगा। ये तो फिलहाल बुक सेल्फ दे रहा है जो कि मेरा कोई काम का नहीं है भाई। सब जमाना बदल गया पर इनका ट्रेड नहीं बदला।
ये देखो क्या दे रहा है, चैनलिंग वन। अरे यार मुझे सेप्टर बॉक्स नहीं लगा ना कि तू चैनल दिखा रहा है। फॉर्चून थ्री चाहिए, फॉर्चून थ्री। पढ़ाई किया है कभी भी? पता है फॉर्चून थ्री किसे कहते हैं? ये नहीं देने वाले भाई, ये तो बुक सेल्फ देंगे। बुक सेल्फ भाई जो हम बना सकते वो देंगे। क्या दे रहा है? लक ऑफ द सी। ले भाई क्या दे रहे यार, मैं कहाँ फंस गया यार। इलेक्ट्रॉन तोड़ते तोड़ते मैंने तीन चार एक्स तोड़ दिया और इनको कोई मतलब ही नहीं है भाई। एक फॉर्चून थ्री तो मांगा है भाई, दे दो यार, रुला छोड़ेंगे ये लोग भाई सच में। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत टाइम तक सर पटकने के बाद ये लोग थोड़ा बहुत एकदम थोड़ा बहुत ढंग का आइटम दे रहा है। वैसे मेंडिंग वन दे रहा है, खुल भी जाए इन्वेंट्री यार। हाँ चलो खुल गया, तो ये मुझे मेंडिंग वन दे रहा है जो कि मैं अपने आर्मर में लगा सकता हूँ। और इधर है फॉर्चून वन, वैसे फॉर्चून थ्री नहीं मिला पर हाँ फॉर्चून वन का अगर मेरे पास चार किताब होगा तो मैं उससे एक फॉर्चून थ्री का किताब बना सकता हूँ। वैसे बाकी के लोग भी ठीक ठाक दे रहे हैं। ये दे रहा था मुझे लक ऑफ द सी और इसका बाजू वाला दे रहा था सिल्क टच। सिल्क टच भी बहुत रेयर नहीं है पर हाँ मिल रहा है तो ले लेंगे। अभी जल्दी से चलते हैं, थोड़ा बहुत पेपर्स और पिकेक्स। हाँ मेरे पास तीन डायमंड्स है जिसका मैं अभी पिकेक्स बनाऊंगा और एक एनविल बनाना होगा जो कि सबसे ज़रूरी है। ये सब सामान मैं इकट्ठा करके लाता हूँ और उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे। तो अभी मैं अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड का टूल बनाने जा रहा हूँ जो कि अपना डायमंड का पिकेक्स होने वाला है। वैसे इसको जब एंचेंट कर लूँगा तब मैं इसको हाथ में लेके देखूँगा कि कैसा लग रहा है। फिलहाल मैं जल्दी से यहाँ पे आयरन रख देता हूँ और चलता हूँ ट्रेडिंग करने। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स बना लिए, आई होप कि ये पेपर्स कम ना पड़े। अगर कम पड़ेंगे तो मुझे दोबारा शुगर के इंदूर के पेपर्स बनाने होंगे। फिलहाल चलते हैं इनको लेके ही ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनविल को बाजू में लगा देते हैं ताकि हमें फॉर्चून थ्री का किताब मिलते ही हम अपने पिकेक्स को एंचेंट कर ले। तो फिलहाल मुझे अभी यहाँ से फॉर्चून वन का किताब चाहिए होगा जिसके लिए मुझे चाहिए होगा 40 एम्ब्रेल्ट, चार किताब चाहिए होगा जिसके लिए 10-10 करके 40 एम्ब्रेल्ट चाहिए होंगे। तो पहले पेपर ट्रेड करके मुझे एम्ब्रेल्ट इकट्ठे करने होंगे। लग रहा है कि मुझे थोड़ा पेपर लाने ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो इसने अपना पेपर वाला ट्रेड लॉक कर लिया, यानी कि मुझे पेपर के बदले एम्ब्रेल्ट नहीं देगा। तो किसी और में ट्राई करना होगा जो मुझे पेपर के बदले एम्ब्रेल्ट दे। भाई भाई 40 एम्ब्रेल्ट होने से पहले ही पेपर खत्म हो गया तो मुझे पेपर लाने ऊपर जाना होगा। 36 एम्ब्रेल्ट मिला बस और 4 एम्ब्रेल्ट चाहिए तो मेरा काम बन जाएगा। जल्दी से चलते हैं शुगर केन तोड़ के पेपर बना के लाते हैं। तो अभी मैंने पेपर्स ले लिए, मेरे पास बहुत सारे पेपर्स है, बहुत सारे मतलब 4 एम्ब्रेल्ट के लिए जितना पेपर्स चाहिए उसके हिसाब से काफ़ी है मेरे पास। भैया 4 एम्ब्रेल्ट देना, अब बस 2 और चाहिए। चलो 40 हो चुका है और अभी मैं ले सकता हूँ फॉर्चून 1 का 4 किताब। वैसे दे कौन रहा था? हाँ सेकंड वाला दे रहा था। चलो अभी इससे जल्दी से ले लेते हैं फॉर्चून 1 का किताब, जल्दी से लेते हैं 1, 2, 3 और 4। चलो काम हो चुका है, अभी जल्दी से इनको एक साथ मिक्स करके हम बनाएंगे फॉर्चून 3 का किताब। वैसे 4 किताब से एक ही किताब बनेगा पर कोई नहीं, बना लेंगे आप। इधर मैंने एनविल लगाया था ना, अब इसी में बनाऊंगा। तो पहले मुझे बनाना होगा 1 और 1 2 बनता है, मतलब फॉर्चून 1 फॉर्चून 2 बनेगा। अब फिर से एक ही तरीके से बाकी 2 को मिला के 2 बनाना होगा और 2 फॉर्चून 2 का किताब से 1 फॉर्चून 3 का किताब बनेगा। तो अभी हम बनाएंगे अपने पिकेक्स और फॉर्चून 3 के किताब को मिला के फॉर्चून 3 का पिकेक्स। तो ये बन गया अपना वर्ल्ड का पहला एन्चेंटेड टूल जो कि अपना पिकेक्स है। और इससे सबसे पहले मैं क्या तोड़ूंगा, इसी कोबलस्टोन को तोड़ लेते हैं। तो यार पिकेक्स बॉनी हो चुका है तो अभी चलते हैं माइनिंग में। और भाई लोग आपको मैं कहना चाहूँगा कि दुकान बंद मत करना, थोड़ा देर वेट करो, मैं अभी अपने डायमंड का आर्मर लेकर आऊँगा, उसे भी तो एन्चेंट करना है ना। तो हाथ में पिकेक्स लेके मैं कुछ इस टाइप का दिखूंगा जो कि बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है पर हाँ मजदूर भी नहीं लग रहा बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि कोई, खैर छोड़ो जाने दो। माइनिंग में जाने से पहले मुझे अपनी इन्वेंट्री को खाली करना होगा और उसके साथ कुछ आइटम्स बनाने होंगे जैसे कि आयरन का पिकेक्स और सवेल। तो वो सब मैं बना लेता हूँ और कुछ देर बाद आपसे मिलता हूँ। तो मैंने माइनिंग के लिए थोड़े बहुत टॉर्चेस लिए हैं, थोड़े बहुत लैडर्स बनाए और अभी बना रहा हूँ मैं आयरन का पिकेक्स जो कि मेरे माइनिंग में काम आएंगे। फिलहाल मैं इन सब चीज़ों को लेके ही जाने वाला हूँ जो कि आप इन्वेंट्री में मेरा देख पा रहे हो। तो चलो अभी टाइम है जाने का। वैसे मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल अपना जो विलेजर ब्रीडर फार्म था वहीं पर छोड़ के आया हूँ तो इसे यहाँ से तोड़ लेते हैं। क्या ही कर सकते यार, मैं वापस नहीं जाने वाला क्राफ्टिंग टेबल लेने के लिए। तो चलो एक टॉर्च भी मिल गया एक्स्ट्रा, इसे यहाँ पे लगा देते हैं, अभी चलते हैं। वैसे जिन लोगों ने मेरा माइनिंग एरिया नहीं देखा भाई देख लो, कुछ इस टाइप का है और यहाँ से मैं जा सकता हूँ। वैसे एक मज़े की बात क्या पता है, मैं अपने वर्ल्ड में अभी तक एक बार ही मरा हूँ। और मरा कैसे पता है, ये जो आप साइड के लैडर्स देख रहे हो उसे तोड़ने की वजह से मैं यहाँ ऊपर से गिर गया था नीचे तक और उस टाइम में मर गया था। अभी फिलहाल गूगल बाबा का माने तो हमें जाना होगा -58 पे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डायमंड मिलता है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सावधानी से जाना होगा क्योंकि लावा वगैरह मिलेगा तो मैं जल के मर जाऊँगा। ओ नीचे गुफा आ गया यार, शायद से मैं नीचे जा चुका हूँ पहले भी। वो देखो वहाँ पे टॉर्च है, एक काम करता हूँ नीचे जाने का अभी जुगाड़ लगाता है चुपचाप, नीचे जाके देखते हैं कि बात क्या है, क्या मैं MLG कर पाऊँगा। चलो देखते हैं 1 2, थोड़ा सा गिनती गलत हो गया। चलो कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा।
अरे हाँ, ये तो वही जगह है जहाँ से मुझे पिकेक्स का डायमंड मिला था। मैं पहले भी यहाँ पे माइनिंग करते करते आ चुका हूँ। और ये जो रास्ता दिख रहे हो ना, ये हमें एक लाभा पुल में ले जाएगा। फिलहाल इस तरफ से भी हम जा सकते थे, पर छोड़ो, यहाँ से मैं रास्ता बनाया था पूरा एकदम डायरेक्ट, ताकि मैं बाद में जब नेदर पोर्टल बनाऊंगा तो मुझे आसानी से लाभा मिल जाए। ये देखो, इसका बात कर रहा था मैं। फिलहाल बाहर चलते हैं और मेरा जो माइनिंग एरिया है उसे एक्सपेंड करते हैं, नीचे डिग करना है मुझे बस। सब कुछ ठीक है, पर मैं आया कहाँ से था भाई? वो गड्ढा किधर है जहाँ से मैं टपका था? शायद से वो खो गया। अभी उसे ढूंढने में भाई बहुत ही ज़्यादा सर दर्द होगा मेरा। खैर कोई नहीं, मैं वीडियो को कट कर दूंगा और जब मुझे मिल जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो भाई, यहाँ से गिरा था। ठीक है, दिख जब गया है तो यहाँ पे हम बना देंगे कुछ ना कुछ। फिलहाल अभी यहाँ पे एक टनल बनाते हैं ताकि हम नीचे जा पाए, -58 पे जा पाए। तो चलो, ये बन चुका है अभी। तो चलो अपना मजदूरी दोबारा स्टार्ट करते हैं, यानी खोदने का काम शुरू करते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं -58 पे। अभी लैडर लगा के ऊपर जाते हैं और नीचे आके हम माइनिंग का काम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, लैडर का पूरा काम खत्म हो चुका है। फिलहाल मैंने साइड का लैडर हटा दिया है और नीचे पानी भी डाल दिया है, तो हम जब यहाँ से गिरेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कूल लगेंगे। तो अभी यहाँ पे बस एक रूम बनाते हैं। तो दोस्तों, मैंने रूम बना लिया है जो कि कुछ इस टाइप का है। बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, बट अभी जल्दी से माइनिंग स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सामने वाला दीवार से स्टार्ट करूँगा, इसी दीवार से। यहाँ पे एक जल्दी से 2x2 का गड्ढा खोदते हैं। तो दोस्तों, कुछ इसी टाइप से हम माइनिंग करते हुए आगे जाएंगे। और अभी तो बस पार्टी शुरू हुआ है, कितना माइनिंग करना होगा पता नहीं, शायद से आज पूरा रात माइनिंग करना होगा। वैसे दोस्तों, सामने ना लाभा है तो मैंने इसको बंद कर दिया और ऊपर से एक टनल खोदा है और ऊपर मुझे डायमंड मिल गया। तो अभी जल्दी से इसे ले लेते हैं, देखते हैं कि कितना डायमंड मिलता है हमें। तो पहले यार साइड में माइनिंग करके देखता हूँ कि कितना ओर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 डायमंड ओर्स है, तो देखते हैं कि यहाँ से हमें कितने डायमंड्स मिलते हैं। तो ये गया आज का पहला डायमंड ब्लॉक और यहाँ से हमें 2 मिला शायद से। एक मिनट देखने, तो 2 मिला, बताओ 3 मिलना चाहिए था। खैर कोई नहीं, 2 मिला वो भी सही है। अभी इनको तोड़ के देखते हैं कि कितना मिलता है। इससे कितना मिला? 1 मिला भाई, नहीं 2 मिले, इससे भी 2 मिला। अभी यार इससे भी 2 ही मिलेंगे, और कितना मिलेगा देखो। लाभा के ऊपर मुझे डायमंड्स मिल रहा है, छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, लेके ही जाऊंगा। तो एक ब्रिज बना के उस तरफ चलते हैं, शायद से यहाँ पे 1 ही ओर है। चलो इसे तोड़ते हैं। नहीं नहीं 2 था, ऊपर 1 है। चलो इसे भी तोड़ लेते हैं। सामने एक गुफा है, वहाँ पे चल के देखते हैं। और अभी तक मुझे 8 डायमंड मिला है। अरे यार, तो वही लाभा पुल वाला जगह है जहाँ पे हम कुछ देर पहले आए थे, मैंने आज ही दिखाया आपको। हाँ, खो गए थे यहाँ पे। और ये एंडर ड्रैगन मेरे तरफ क्यों आ रहा है भाई? मारेगा तो नहीं ना? चलो नहीं मार रहा। चलो कोई नहीं, अब मेरे पास डायमंड। और मार रहा है भाई। अरे अरे अरे, मत मार यार। अरे भैंस की, अरे कवर कर, कवर कवर। भाग गया, जल्दी से कवर कर लेता हूँ भाई मैं यहाँ पे। भाई साहब, इस मनुष्य ने मुझे 1 हार्ट में छोड़ा भाई। पहले तो कभी नहीं मारा इन्होंने मुझे, आज क्यों पीछे पड़ गया? डायमंड है इसलिए क्या? इस जगह को यार बंद कर दो, कभी नहीं आऊंगा यहाँ पे मैं भाई, बेवजह मरते मरते बचा। तो चलो, वापस हम आ चुके हैं इस जगह पे और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। लाभा के ऊपर से मैं नहीं जाने वाला। तो चलो, हम वापस आ चुके हैं और अभी फिर से माइनिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरफ तो लाभा है, हम जा नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, राइट को माइनिंग स्टार्ट करते हैं, राइट को कंटिन्यू करते हैं, देखा जाएगा जो होगा। ये देखो, दोबारा डायमंड मिला। वैसे डायमंड ना बहुत मुश्किल से मिल रहा है, तो एक काम करूंगा, वीडियो को मैं स्किप कर दूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी वीडियो अभी तो 10 मिनट से ज्यादा ही हो चुका है। और एक और बात, मैं अभी बहुत बार ऊपर जा चुका था, मेरा बेस में गया था, क्योंकि मेरा इन्वेंट्री फुल हो गया था। और इसके बाद मैं आपको बेस में मिलूंगा जब मेरे पास डायमंड होंगे तब। तो चलो, मैं माइनिंग करके आ चुका हूँ और मैंने सब कुछ सॉर्ट कर दिया मेरे पास जो चीज़ें था। अभी बस मैं अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाऊंगा और वीडियो को खत्म करूंगा। तो सबसे पहले ये हेलमेट, उसके बाद ये चेस्ट प्लेट, उसके बाद ये चड्डी लेगिंग्स कहते हैं, और उसके बाद ये बूट। तो चलो, हो गया मेरा काम। एक स्वॉर्ड भी बना लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को इंपेंट करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। वैसे दोस्तों, मुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी करना। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।